हमारी जो आज की राइड है वो पटना टू बोधगया है, जो हम लोग किंजड़ होते हुए जहानाबाद के रास्ते गया होते हुए और हम लोग लास्ट में बोधगया पहुंचेंगे और हम लोग वहां पे एंजॉय करेंगे बोधगया में। सभी को गुड मॉर्निंग। आज 11 मार्च है और सुबह के बजे हैं 6:30। आज हम निकले हैं छोटी सी राइड पर जो पालीगंज से होते हुए गया तक जाएगी और गया के बाद हम लोग बोधगया घूमेंगे जैसे कि हम लोग। और ये हमारी राइड है पालीगंज से होते हुए किंजड़ जहानाबाद, उसके बाद गया और फिर उसके बाद बोधगया। और अभी हम लोग चंडोल तक पहुंच चुके हैं और चंडोल से आगे एक पुल मिलेगी आपको छोटी सी, वो पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग किंजड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी है जो छठ पूजा भी होती है और इसके नीचे जो नदी बहती है वो पुनपुन नदी और उसी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और उसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम लोग किंजड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा या कोई भी दिक्कत लगे तो आप। अभी हम लोग नदी को क्रॉस कर चुके हैं और आगे की तरफ हम लोग किंजड़ की तरफ निकलते हैं। और रोड की बात किया जाए तो आपकी जो रोड है वो पालीगंज से जहानाबाद तक की बहुत बढ़िया रोड है, एक नंबर रोड है, सिंगल ही रोड है लेकिन इतनी रुकावटें नहीं आएगी रोड में। आप आराम से 70-75 की स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में आप चले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और अभी हम लोग किंजड़ पहुँचने वाले हैं। और अभी हम लोग किंजड़ पहुंचने वाले हैं, किंजड़ के बाद हम लोग सीधा जहानाबाद की तरफ निकलेंगे और जहानाबाद से होते हुए हम लोग गया की तरफ प्रस्थान करेंगे। और अभी 7:30 हो गए हैं, जैसा कि देखिए किंजड़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये हम लोग जहानाबाद से गया वाली रूट पर हैं और इसी से हम लोग होते हुए जो भी नए रोड बन रही है पटना टू डोभी, जो आपको जीटी रोड से कनेक्ट करती है, ये नई फोर लेन बन रही है, इसी पर अभी देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, इसीलिए बीच बीच में भी जो भी टोल टैक्स है वो अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, धीरे धीरे करके यहाँ पर भी टोल लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो सारी गाड़ियों के लिए फ्री है, अभी टोल का भी मसला ही नहीं है। तो जैसा कि हम लोग आगे की तरफ अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और रोड की बात किया जाए तो रोड तो बहुत बेहतरीन रोड है, रोड का तो कुछ कहना ही नहीं है, आराम से हम लोग 80-85 की स्पीड में चल रहे हैं। और ऐसा था कि अचानक हम लोग का छुट्टी हो गया तो सोचा कहीं घूम करके आ जाए, तो हमारे घर से बगल में अप्रोक्स 85 या 90 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से बोध गया, तो हम लोग वहीं पर अचानक प्लान बनाए और अचानक रात में प्लान बना और सुबह में हम लोग निकल लिए। जैसा कि देखिए मंदिर देखने बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बीच बीच में जैसा कि हमने बताया आपको कि कहीं कहीं रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बीच बीच में कहीं ओवरब्रिज बनाने के काम को लेकर के कहीं कहीं रुकावट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो रोड है रोड ही बहुत बेहतरीन रोड है। और हम लोग गया वाले रूट में इंटर कर चुके हैं और
ये आपकी सिंगल रोड है जो अप्रोक्स 8 या 9 किलोमीटर का रोड है जो खूबसूरत पहाड़ों से होकर के क्रॉस करती है। जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में आपको पहाड़ दिखे होंगे साइड में, ये आप सीधे गया जाती है और यही रोड सीधे आपको होते हुए बोधगया की तरफ निकल जाती है। और हम लोग गया होते हुए बोधगया की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एकदम सिंगल रोड है, उसमें थोड़ा सा अगर आप लेट निकलेंगे तो जाम का खतरा हो सकता है, इसीलिए अगर घूमना हो तो सुबह ही निकले तो बढ़िया रहेगा। आराम से बिना रास्ते में रुकावट करते हुए आप लोग आराम से बोधगया पहुंच सकते हैं। ये फल्गु नदी है और ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है और विष्णु भगवान का मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है। और जहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ पर आप और उसी मंदिर के किनारे इंडदान होता है जहाँ पे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति होती है। और अभी हम लोग बोधगया की पावन धरती में इंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया बना हुआ। और हम लोग आगे बोधगया मंदिर की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही आपकी रास्ता है जो बोधगया जाती है और आगे से हम लोग राइट घूमने के बाद मंदिर के बगल वाले रास्ते से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और कुछ ही समय में हम लोग देखिए यहाँ पे 4-व्हीलर का पार्किंग भी है, कुछ समय में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे मंदिर के ठीक बगल में। और ये सिंगल रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वगैरह भी रहते हैं जो आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मेन मंदिर घूमने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो मेन मंदिर में क्या है कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, इसकी वजह से हम वहाँ का आपको कुछ नहीं दिखा पाए। ये है यहाँ का गौतम बुद्ध भगवान का और ऐसा ऐसा मंदिर यहाँ पे बहुत सारा है, छोटा छोटा मंदिर जो आप लोग आसानी से और यहाँ हर जगह पर हम आप लोग को दिखा सकते हैं। कैमरा वगैरह कोई भी रोकी यहाँ पर नहीं गई, तो देख सकते हैं यहाँ के बाहर का नज़ारा है। गौतम बुद्ध भगवान का प्रतिमा बना हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का जितने भी सारे मंदिर है सब ऐसा लगता है जैसे अंदर एकदम सुकून है, शांति है। और अंदर आने के बाद बहुत ही शांत माहौल मिलता है, बहुत ही स्वच्छ वातावरण है जैसा कि देखिए। और आगे तक देखते रहिए,
ये देखने के लिए पूरा कंप्लीट काम मिलेगा देखने के लिए। टाटा बाय बाय। जापान और जापान के सर यहाँ पर तीन टेम्पल हैं, जहाँ पर खड़े हैं जापान का है, नेक्स्ट भी जापान का है, और इसका सोना पर जापान का है, तीन जापान है। देखिए आप लोग छोटे छोटे मंदिरों घूमने के बाद हम लोग 80 फीट वाले गौतम बुद्ध के पास आए हैं, जो देखने में बहुत ही बड़े लगते हैं, और यहाँ का व्यू भी बहुत ही मनमोहक व्यू है। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये जापान के, यहाँ पे जितने भी सारे आपके मंदिर हैं सारे के सारे जापानी मंदिर हैं। और यहाँ 80 फीट के गौतम बुद्ध भगवान है, जो देखने में बहुत ही भव्य लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से 80 फीट घूमने के बाद हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए, जो हमारा अगला डेस्टिनेशन था। इसके बाद हम लोग अगले डेस्टिनेशन जो माँ सीता सेतु है, जिसको हम लोग रबर डैम के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ पर हम लोग चल दिए, जो एक पुल क्रॉस करने के बाद आपको हमारे लेफ्ट साइड में दिखेगा एक पुल और बना है, जो रबर डैम के नाम से फेमस है, जिसको कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया था। देखिए साइड में जो दूर दूर तक ये नदी है, फल्गु नदी है, और इसी के देखिए चारों तरफ क्या क्या है। गया में पुल क्रॉस करने के बाद जैसे आप पुल क्रॉस करेंगे, उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक रास्ता है जो सीधे आपके रबर डैम की तरफ आती है। रास्ता भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, और ठीक मेन रोड के बगल में, तो आप आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ पर फोर व्हीलर भी आने जाने की रास्ता है, आप आ करके आराम से साइड में लगा करके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बढ़िया है। देखिए यही एंट्री पॉइंट है, जो रबर डैम का मेन पॉइंट है, जहाँ से हम लोग इंटर करते हुए आगे रबर डैम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ गेट बना हुआ है जो इंटर करती है, और भीड़ तो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हम लोग जब घूम रहे थे तो बहुत ही गर्मी थी, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत ही कम लोग थे, वहाँ के बस लोकल लोग थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग सुबह और शाम ही घूमते हैं, गर्मी में तो घूम हम लोग लास्ट यहाँ बाइक लगाने के बाद हम लोग पैदल ही चल रहे, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं, आधे किलोमीटर का पैच है, और रबर डैम पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता है जो पैदल ही चलकर क्रॉस होती है।